लोजपा पार्टी के समर्थकों ने 10 सूत्री मांग को लेकर लोधना महाप्रबंधन से किया वार्ता। वहीं वार्ता के दौरान नेताओं ने कहा कि सूची आउटसोर्सिंग परियोजना के कारण आए दिन हेवी ब्लास्टिंग, प्रदूषण, रोड निर्माण, पानी का छिड़काव बिना सुरक्षा दृष्टि से नियम संगत कार्य करने के कारण आसपास के लगभग 6 बस्ती लोधना 4 नंबर, केशव नगर, बागडेगी बस्ती, लोधना मस्जिद पट्टी जैसे कई गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन प्रबंधन की ओर से सारी सुविधा को अनदेखी कर परियोजना विस्तारीकरण से जुड़ सक चुके हैं, चाहे लोगों को ना काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। वार्ता विफल होने का क्या उद्देश्य है? वार्ता सबसे पहली बात तो मैं आपके बात का ये कह दूं कि वार्ता विफल तो हुई नहीं, जो बातें सकारात्मक हुआ है महाप्रबंधक के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास धनवाद महानगर के और महाप्रबंधक और उसी कंपनी का मैनेजर के साथ जो वार्ता हुई सकारात्मक वार्ता हुई है। आश्वासन प्रबंधन के द्वारा मिला कि जब तक हम आपका सुरक्षित जगह पर स्थान पर स्थानांतरित नहीं करते हैं तब तक हम रोड पर काम नहीं करें, ये बहुत बड़ी बात है। जो हमारे और 10 सूत्री मांग है उस पर भी बहुत सारे बातों को उन्होंने मानने का काम किया, और मैं ये भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि अगर हमारे साथ अगर किसी तरह की धोखाबाजी प्रबंधन के द्वारा हुआ, अगर बस्ती में अगर बीच रोड बनाने के काम करने गए तो हम लोग पूरे लोधनावासी, पूरा लोधना के जितने भी आम जनता, उनको वहाँ से बुरी तरह से हम लोग भगाएंगे और रोड बनने नहीं देंगे। जब तक हमें वहाँ से विस्थापन नहीं किया जाता, जब तक रोड नहीं बनाने दिया जाएगा, यही हमारा लड़ाई है। लोक जनशक्ति पार्टी इसी को लेकर के आगे बढ़ रही है। महाप्रबंधक वार्ता तो हुए लेकिन वार्ता में कोई सफल नहीं हुए है। हम यही मांग रखे कि आप पहले रोड बनाने से पहले हम लोग को विस्थापन करें, उसमें तैयार नहीं हुए हैं। अगर मान लीजिए कि रोड का व्यवस्था नहीं होता है तो अभी कोई कुछ नहीं होंगे, स्टॉप रहेंगे। मैंने आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम उसका तैयारी करेंगे। अगर रोड बनाने आता है उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, जो करना होगा करेंगे। हाँ, जहाँ तक गुजरना हो और ये भी रहेगा ना, जहाँ तक भी गुजरना गुजर जाएगा। हम छोटेलाल पासवान, लोधना बाजार। तब तक जो है रोड बनाना प्रबंधन के लिए टेढ़ी खीर है। और दूसरी बात, आज जो है प्रदूषण फैला रहा है, हरे पेड़ पौधे जो है नष्ट कर रहे हैं, इसके बाद रोड की स्थिति जर्जर हो गई है। इस रोड के संबंध में प्रबंधन ने कहा कि हम जो अविलंब जो तत्काल व्यवस्था करेंगे, और बिजली जो कटौती कर रहा है, आंख मुचौनी खेल खेल रहा है, 2 घंटे के अंदर कट रहा है, प्रबंधन ने उसे जो है स्वस्थ करने का आश्वासन दिया है। और पीट वाटर पानी के लिए भी उन्होंने कहा कि उस पर जो है मैनेजर को आदेश दिया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जल छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इनके द्वारा जो है न ठेकेदार के द्वारा जल छिड़काव किया जाता है, न जो है कंपनी द्वारा जल छिड़काव किया जाता है, केवल इनका जो है झूठी खोखला है। और ओबी के द्वारा जो है न ठेकेदार को माल बना रहा है, लेकिन उत्पादन इनका नग्न है, और ये जनता को झूठी गुमराह कर रहा है। जब तक जनता की सहमति अगर नहीं बनती है तब तक रोड बनाना इनके लिए टेढ़ी खीर है। इसके लिए लोधना की जनता कमर कस लिया है, अगर उसको जेल भी जाना पड़ेगा, अगर अपने जानों की कुर्बानियां भी देना पड़ेगा, लेकिन जो है देने के लिए तैयार है, लेकिन रोड किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा। अपना परिचय दे। मेरा नाम नागेश्वर पासवान, धनबाद जिला महानगर का जो है उपाध्यक्ष।